चूंकि उत्तराखंड के स्तर पर तो हमने रात को काम करने की परमिशन दी हुई है, उत्तर प्रदेश से संबंधित है, तो मैं उत्तर प्रदेश भी माननीय योगी आदित्यनाथ जी से भी अनुरोध करूंगा कि इस पर जल्दी से जल्दी वहां की सरकार भी जो है इनको परमिशन दे देगी तो काम तेजी से होगा। सर, मेरठ पौड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग देहरादून दिल्ली जो एक्सवे बन रहा है उस काम का कल माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने औचक निरीक्षण किया और औचक निरीक्षण करने के बाद वो जो काम वहाँ कर रहा है, जो कर्मचारी हैं, जो मजदूर हैं, श्रमिक हैं, उनसे मिलकर उनके कुशलक्षेम पूछने का भी काम किया और काम की क्या प्रगति हो रही है उस पर भी उन्होंने अधिकारी कर्मचारियों से जानकारी ली और उन्होंने इस बात की प्रसन्नता भी व्यक्त की कि उत्तराखंड का क्षेत्र जो है वहाँ काम बहुत तेजी के साथ चल रहा है, उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में काम में कुछ शिथिलता है। तो इस संबंध में उन्होंने कहा है कि मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से भी बातचीत करूंगा और ये एक साल के अंदर इस काम को पूर्ण होना है, इसलिए इस काम में और तेजी आनी चाहिए, ऐसे उन्होंने दिशा निर्देशन किया। इससे एक अच्छा मैसेज भी गया है, कार्य की गुणवत्ता में भी सुधार होगा और कर्मचारी जो श्रमिक हैं, अधिकारी हैं, सबका उत्साहवर्धन भी हुआ है। नहीं, बहुत अच्छी बात है, अगर उसके लिए मुख्यमंत्री प्रयासरत हैं, कम से कम किसी बात के लिए तो प्रयासरत हैं, और अगर ये काम होता है तो निश्चित रूप से उत्तराखंड लाभान्वित होगा। और हम भी यही चाहेंगे कि समय अवधि जो दी गई है उसके रहते ही काम हो जाए, क्योंकि हमें बुलेट ट्रेन के सपने दिखाए गए, हमें मेट्रो ट्रेन के सपने दिखाए गए, हमें स्मार्ट सिटीज़ के सपने दिखाए गए, हमें 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशंस के सपने दिखाए गए, लेकिन आज दिन तक भी कोई भी चीज़ इनकी पूरी नहीं हुई। ऑल वेदर रोड का वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ, चट्टानों का कटान चल रहा है, सड़कों का चौड़ीकरण चल ही रहा है और अनवरत पता नहीं कितने सालों से हम ये झेल रहे हैं। देहरादून की जो दुर्दशा हो गई है स्मार्ट सिटी के नाम पर, और कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ विकास के नाम पर जिस तरह से उत्तराखंड को झुंझुना हर बार दिया जाता है, इस बार कम से कम ऐसा नहीं होगा, यही अपेक्षा है।